आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। आगरा में 3 जूता कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। एक कारोबारी के घर से 60 करोड़ रुपए के नोट बरामद हुए। ये नोट बेड, गद्दों, अलमारी में छिपा कर रखे थे। नोटों की तस्वीरें सामने आई है। इसमें दिख रहा है कि बेड पर नोटों की गड्डिया रखी है, जमीन पर रखे बैग भी नोटों से भरे हैं। इनकम टैक्स टीम हरमिला ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग के घर और ऑफिस पहुंची। सर्च किया तो उनके घर पर बेड और गद्दों में नोट के बंडल मिले। भारी भरकम कैश देकर अफसरों ने नोट गिनने के लिए बैंक से करीब 10 मशीन मंगाई। पूरी रात कार्रवाई चली। रविवार सुबह तक टीम डंग के आवास पर है। ऐसे में आशंका है कि केस का आंकड़ा और बढ़ सकता है। दरअसल टैक्स चोरी के इनपुट के बाद आयकर टीम ने शनिवार को आगरा में 3 कारोबारियों के घर और ऑफिस यानी 6 ठिकानों पर छापेमारी की। टीम एमजी रोड के बीके शूज, धाकरान के मंशू फुटवेयर और हींग की मंडी के हरमिला ट्रेडर्स के मालिक के दफ्तर पर और आवास पर एक साथ छापा मारने पहुंची। आयकर टीम को विजय शूज और मंशू फुटवेयर के यहाँ कितना कैश मिला इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। मंशू फुटवेयर और बीके शूज के मालिक रिश्तेदार हैं। कुछ सालों में ही ये बाजार में बड़ा नाम बन गए। कारोबारियों के पास जमीन के भारी निवेश, सोने की खरीद की जानकारी भी मिली है। आगरा में इनर रिंग रोड के पास कारोबारियों ने बड़ा निवेश किया है। अफसरों ने 3 जूता कारोबारियों के प्रतिष्ठानों से लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल जब्त कर लिए हैं। उनसे डेटा लिया गया है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।